हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और दोस्तों आज की हमारी मूवी है डम मनी। ये मूवी एक बहुत ही अच्छी बायोग्राफी कॉमेडी ड्रामा मूवी है और साथ ही साथ दोस्तों ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी भी है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7 है और रॉटेन टोमेटो पर यह मूवी 85% तक फ्रेश है। और इसी तरह की अच्छी अच्छी मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि यदि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो हमारे ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंच पाएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो मूवी की शुरुआत में हमें 25 जनवरी 2021 का समय बताया जाता है और हमें एक आलिशान बंगले में गैप प्लॉटकिन नाम के आदमी को दिखाया जाता है। गैप प्लॉटकिन मेलबर्न कैपिटल नाम की हेज फंड कंपनी का फाउंडर होता है। और दोस्तों हेज फंड वो कंपनियां होती है जो शेयर मार्केट में अपना काफी सारा पैसा लगाती है और कई सारे छोटे मोटे इन्वेस्टर को गरीब बना देती है। गैप की टोटल संपत्ति $400 मिलियन होती है। गैप किसी से फोन पर बात ही कर रहा होता है तभी उसे उसके फ्रेंड स्टीव कोहेन का कॉल आता है और स्टीव 0.72 नाम की हेज फंड कंपनी का CEO होता है जिसकी संपत्ति $12 बिलियन होती है। स्टीव गैप से कहता है वो लोग गेम स्टॉक के शेयर को होल्ड कर रहे। गेम स्टॉक का शेयर $100 से ऊपर जा चुका है। ये सुनते ही गैप की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और गैप दौड़कर अपने बंगले से अपने ऑफिस की तरफ जाने लगता है, जो ऑफिस गैप ने अपने बंगले के पास वाले एरिया में बना रखा था। गैप वहां पर जाकर देखता है तो गेम स्टॉक का शेयर अब $101 तक पहुंच चुका था। ये देखकर गैप शॉक रह जाता है और गैप की तरह और भी लोग शॉक रह जाते हैं जिन्होंने इस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखा था। आगे गैप किसी से फोन पर बात करने लगता है और तभी उसे कैन ग्रिफिन नाम के आदमी का कॉल आता है। कैन ग्रिफिन भी हेज फंड कंपनी सिटाडेल का फाउंडर और CEO होता है जिसकी संपत्ति $16 बिलियन की होती है। कैन गैप से पूछता है गैप क्या सब कुछ ठीक है। गैप कैन से बात नहीं करना चाहता था तब वो कहता है कैन मैं तुमसे थोड़ी देर बाद में बात करता हूँ। आगे गैप वापस अपने दोस्त स्टीव से बात करता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें पता लगा क्या हुआ। तब स्टीव कहता है कोई लड़का है जिसका रोरिंग किटी नाम का यूट्यूब चैनल है और डीप वैल्यू नाम का रेडिट में अकाउंट है। इसी के कहने पर कई सारे लोगों ने एक साथ गेम स्टॉप के शेयर को खरीदा है और उसे रॉकेट बना दिया है। स्टीव गैप को भी कीथ गिल नाम के उसी आदमी का फोटो भेजता है। अब आगे हमें 6 महीने पहले का समय बताया जाता है जब गेम स्टॉप का शेयर $3.85 चल रहा था और हम कीथ गिल नाम के उसी आदमी को देखते है जो एक मेट्रो में ट्रेवल कर रहा होता है। कीथ गिल बोनसन मैनचेस्टर का एक साधारण आदमी था जो अपने रोरिंग किटी नाम के यूट्यूब चैनल पर लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस दिया करता था, जिसकी टोटल संपत्ति $97,427 ही थी। आगे कीथ मेट्रो से उतरकर अपने ब्रिक्सी नाम के दोस्त से मिलने जाता है जो कि वॉल स्ट्रीट में काम किया करता था। तब ब्रिक्सी वेटर को बुलाकर उन दोनों के लिए हाइनीस ऑर्डर करने लगता है। तब कीथ ब्रिक्सी को रोकर कहता है मुझे हाइनीस नहीं चाहिए, मुझे हैम चाहिए। तब ब्रिक्सी कहता है तुम शायद प्राइस को लेकर चिंता कर रहे हो, तुम्हारे पैसे मैं दे दूंगा। पर कीथ ब्रिक्सी के कहने के बाद भी अपने लिए हैम सी ऑर्डर करता है। तब ब्रिक्सी कहता है तुम इन पेनी स्टॉक के झंझट में मत पड़ो नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। तब कीथ कहता है मैंने पेनी स्टॉक नहीं ले रखे, मैंने गेम स्टॉक का शेयर ले रखा है और मुझे लगता है कि उसका प्राइस अभी अंडर वैल्यू है, वो जल्दी बढ़ेगा। ये सुनकर बिक्सी हंसते हुए पूछता है तुमने कितने डॉलर के शेयर खरीद लिए हैं। तब कीथ कहता है तकरीबन $53,000 के। तब बिक्सी कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हारे पास तो अपना घर भी नहीं है, तुम वॉल स्ट्रीट पर सट्टा लगा रहे हो। तभी वेटर उन दोनों का ऑर्डर लेकर आ जाती है। तब बिक्सी उस वेटर से कहता है तुम्हारे सामने जो आदमी बैठा है उसने $53,000 पेनी स्टॉक पर लगा दिए है, इस हिसाब से तो ये अब सिर्फ वाटर ही अफोर्ड कर सकता है। ये सुनकर वेटर कहती है तुमने कौन सा स्टॉक खरीदा है। तब कीथ कहता है गेम स्टॉप ये एक वीडियो गेम कंपनी का स्टॉक है। तब बिक्सी कहता है ये हमसे झूठ बोल रहा है, इसके पास तो ड्रिंक खरीदने के लिए $50 भी नहीं होंगे। ये सुनकर कीथ अपना मोबाइल निकालकर उन दोनों को दिखाता है जिसमें कीथ ने $53,227 की गेम स्टॉप शेयर की होल्डिंग कर रखी थी। ये देखकर वेटर ब्रिक्सी से कहती है और तुम्हें लगता था इसके पास $5 नहीं होंगे ड्रिंक खरीदने के लिए, जबकि इसने $50,000 के शेयर खरीद रखे। अब आगे कीथ अपने घर पर आकर अपनी वाइफ कैरोलिन से मिलता है और बिना उससे ज्यादा बात किए अपने घर के बर्तन धोने लगता है। तब कैरोलिन कीथ के पास जाकर उसे फ्रिज में से ड्रिंक निकाल कर देती है और ड्रिंक पीने के बाद कीथ कैरोलिन से कहता है क्या मैंने गलत किया गेम स्टॉप के शेयर पर इतना सारा पैसा लगाकर।
तब कैरोलिन कहती है, क्या तुम्हें ब्रिग्जी ने कुछ कहा है? कीथ कहता है, हाँ वो बोल रहा था कि मैंने गेम स्टॉक पर सट्टा लगाया है, ना कि इन्वेस्टमेंट करा है। कैरोलिन कहती है, तुम उसकी बात पर ध्यान मत दो, तुम गेम स्टॉक के शेयर को मुझसे भी अच्छा जानते हो, तुम चिंता मत करो और जाकर अपने वीडियोस पर काम करो। कैरोलिन की बात सुनकर कीथ अपने घर के बेसमेंट में चला जाता है, जहां पर उसने यूट्यूब के लिए सेटअप बना रखा था। कीथ जल्दी अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव आ जाता है लोगों से बातें करने के लिए, और कीथ अपने व्यूअर से कहता है, मैं आप सभी लोगों को जरूरी बात बताने आया हूं। अभी अभी मैंने एक स्टॉक खरीदा है, जिस स्टॉक का नाम है गेम स्टॉप। आप सभी को लग रहा होगा कि ये मैंने कौन सा स्टॉक खरीद लिया है, लेकिन मैं इस स्टॉक पर बुलिश हूं। कीथ का ये वीडियो जेनी कैंपल नाम की एक लड़की भी देख रही होती है, जो एक हॉस्पिटल में काम करती है, और उसकी कुल नेटवर्क $45,644 थी। तभी हॉस्पिटल का एक पेशेंट विंडो पर एक चेयर दे मारता है और जेनी उसे समझाने बाहर जाती है। तब जेनी के साथ काम करने वाला क्रिस नाम का आदमी जेनी को देखकर कहता है, देखो तुम्हारे पाँव में चोट आई है। जेनी ने जल्दी जल्दी में फूटे कप के ऊपर पाँव धर दिया था, इसलिए उसके पाँव से खून निकलने लगा था। आगे क्रिस जेनी की पट्टी करने लगता है और वो कीथ का वीडियो देखकर पूछता है, ये सब क्या बकवास है? तब जेनी कहती है, ये एक इन्वेस्टमेंट वीडियो है। तब क्रिस कहता है, यदि मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए एडवाइस चाहिए होती तब भी मैं ऐसे लोगों से एडवाइस कभी नहीं लेता। तब जेनी कहती है, 70,000 लोग इस आदमी के वीडियो को देख रहे और इसने अपना पोर्टफोलियो भी सबके सामने डाल रखा है। इस आदमी ने खुद गेम स्टॉप के शेयर पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और आगे जेनी भी गेम स्टॉप के शेयर की 700 क्वांटिटी खरीद लेती है कीथ पर विश्वास करके। आगे हमें मार्कोस नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो कि गेम स्टॉप के स्टोर पर काम किया करता था। मार्कोस भी कीथ का वीडियो देख रहा होता है और उसके पास $136 की सेविंग होती है। तभी वहां पर स्टोर का मालिक ब्रेड आता है और मार्कोस उससे कहता है, ब्रेड मुझे कुछ एडवांस में पैसा मिल सकता है? तब ब्रेड कहता है, नहीं मैं तुम्हें अभी पैसा नहीं दे सकता। ये कहकर ब्रेड अपने केबिन में चला जाता है। तब मार्कोस भी अपनी सेविंग से गेम स्टॉप के कुछ शेयर खरीद लेता है। आगे वापस हमें कीथ को दिखाया जाता है, जो अपने व्यूअर से लाइव बात कर रहा होता है। कीथ कहता है, आप सभी लोग चार्ट को देखिए, गेम स्टॉक का शेयर जो $3 पर था अब वो $10 तक पहुंच चुका है, और किसी ने इस बात को पहले प्रिडिक्ट नहीं किया था सिवाय मेरे। तभी कीथ को अपने घर के बाहर से गाड़ी की आवाज आती है। बाहर कीथ का भाई केविन होता है, जो कीथ की गाड़ी लेकर फूड डिलीवरी का काम खत्म करके आया था। गाड़ी की आवाज सुनकर कीथ भी अपने बेबी को लेकर बाहर आ जाता है। तब केविन गाड़ी की चाबी कीथ की ओर फेंकता है और केविन भागते हुए कीथ से कहता है, तुम्हारे हाथ में बेबी है, तुम मेरा पीछा मत करो, और गाड़ी में गैस खत्म हो चुकी है। कीथ गुस्सा था क्योंकि केविन बिना उसे बताए उसकी गाड़ी लेकर चला गया था। आगे हमें मूवी में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में स्टूडेंट की एक पार्टी दिखाई जाती है, और इस पार्टी में सभी स्टूडेंट एक दूसरे को डेयर दे रहे थे और उसे पूरा कर रहे थे। इस पार्टी में हारमोनी विलियम नाम की एक लड़की भी मौजूद होती है, जिसकी नेटवर्थ $186,541 होती है। पार्टी में रीरी नाम की एक दूसरी लड़की भी मौजूद होती है और उसकी नेटवर्थ $145,182 होती है। हारमोनी एक डेयर देती है जिसे रीरी एक्सेप्ट कर लेती है और उन दोनों के बीच अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। आगे हमें स्टीव कोहेन और गैब को दिखाया जाता है, जो दोनों फोन पर मार्केट के बारे में बात कर रहे होते हैं। तब गैब स्टीव से कहता है, तुमने कैन की कंपनी सिटाडेल का रेवेन्यू देखा? इस बार उनका रेवेन्यू $7 बिलियन का रहा है, जो कि पिछले साल की तुलना में डबल रहा। तब स्टीव कहता है, हाँ सारा पैसा रिटेल ट्रेडर के पास से कैनी की जेब में गया है, मैं तुम्हें कुछ भेज रहा हूँ, पहले वो देखो। स्टीव गैब को कुछ वीडियो फाइल भेजता है और गैब उन फाइल को देखता है, जिसमें कुछ लोगों के पोस्ट किए हुए वीडियो थे, जो गेम स्टॉप के शेयर के ऊपर जाने पर खुश हो रहे थे। तब स्टीव कहता है, कुछ लोग गेम स्टॉप के शेयर को धड़ल्ले से खरीद रहे, पर उन लोगों को लगता है कि गेम स्टॉप के शेयर खरीद कर उन्होंने एक अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। तब गैब कहता है, रिटेल ट्रेडर्स हमेशा हारते हैं, मैंने गेम स्टॉप के शेयर पर 2014 में शॉर्ट किया था, ये कंपनी बकवास है और 2 साल में 6 बार इनके CEO चेंज हो चुके हैं, मैं गेम स्टॉक के 6 लाख शेयर पर शॉर्ट पोजीशन बना रहा हूँ। ऐसा कहकर गैब गेम स्टॉक के 6 लाख शेयर बेच देता है। अब सभी दूर ये न्यूज धड़ल्ले से फैलने लगती है कि मेलविन कैपिटल ने गेम स्टॉक के शेयर पर शॉर्ट पोजीशन बना ली है, और मेलविन कैपिटल वॉर में कूद चुका है रिटेल ट्रेडर्स के खिलाफ। पर इस बार रिटेल ट्रेडर भी मेलविन कैपिटल के साथ दो दो हाथ करने के लिए तैयार थे। सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ मीम बनने लगते हैं और मेलविन कैपिटल को हराने की बात की जाने लगती है। हमेशा ही होता आया है कि हेज फंड कंपनी ने अपना मोटा पैसा लगाकर रिटेल ट्रेडर को लूटा है, पर इस बार हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे, हम इन हेज फंड्स को धूल चटा देंगे। आगे वापस हमें कीथ को दिखाया जाता है, जो क्रिसमस नाइट को अपने व्यूअर के साथ सेलिब्रेट कर रहा होता है। कीथ कहता है, कोरोना के कारण हमारा 2020 काफी बुरा रहा,
पर आप हमारे गेम स्टॉप के शेयर को देख सकते हैं, ये रॉकेट की तरह बढ़ रहा है। हम $3 से जंप करके $21 तक पहुंच चुके हैं और सभी लोग कमेंट सेक्शन में कीथ को थैंक्स बोल रहे थे क्योंकि उसके कहने पर उन लोगों ने भी शेयर में इन्वेस्ट किया और वो सभी लोग आज मोटा प्रॉफिट लेकर क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। तब कीथ कहता है, आप सभी लोगों का भी थैंक्स, आप सभी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मेरी बात पर विश्वास किया। सच कहूं तो ये साल मेरी फैमिली के लिए बहुत बुरा रहा। इन 12 महीनों में कोरोना के कारण हम कई लोगों ने अपने लोगों को खोया है और मैंने भी अपनी प्यारी सिस्टर सारा को खो दिया। हॉस्पिटल में काम करने वाली जेनी भी वीडियो को देख रही थी और वो गेम स्टॉक में अपनी पोजीशन बढ़ा देती है। दूसरी तरफ हारमोनी और रेरी भी अपने रूम में बात कर रहे होते हैं। तब हारमोनी रेरी को अपना गेम स्टॉक में प्रॉफिट बताती है और कहती है, मैं $948 प्रॉफिट में हूँ। तब रेरी कहती है, तुम्हें शेयर को बेचकर प्रॉफिट को एंजॉय करना चाहिए। हारमोनी कहती है, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, मैं इस शेयर को अभी नहीं बेचूंगी। मेरे पिता को स्टॉक मार्केट ने बर्बाद कर दिया था, पर फिर भी मैं ये कर रही हूँ। मेरे डैड दिन रात एक स्टोर में काम किया करते थे और फिर उन्होंने अपनी सेविंग वॉल स्ट्रीट में लगाई, पर यहाँ पर कई सारे ऐसे हेज फंड है जो लोगों का पूरा पैसा चूस लेते हैं। मेरे पिता के साथ भी ऐसा ही हुआ, वो बैंकक्रप्ट हो गए और उसके बाद वो अपना पूरा समय काम में देने लगे और पैसा कमाते कमाते एक दिन उनकी डेथ हो गई। और अब ये हेज फंड वाले गेम स्टॉप के शेयर के साथ भी यही कर रहे। कई रिटेल ट्रेडर ने गेम स्टॉप के शेयर को खरीद कर इसके प्राइस को बढ़ा दिया है, लेकिन हेज फंड वाले इसके प्राइस को नीचे लाना चाहते ताकि वो लोग आम इन्वेस्टर की कमाई को छीन सके। अब मूवी में आगे हमें बेजू भट्ट और व्लादिमीर तेनाव नाम के आदमियों से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ये दोनों ही कोफाउंडर और सीईओ थे रॉबिनहुड इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन के। अब दोस्तों, जिस प्रकार से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भारत में जीरोधा, एंजल वन जैसी एप्लीकेशन है, उसी तरह से रॉबिनहुड अमेरिका में बहुत ही फेमस एप्लीकेशन है और इसी के जरिए वहां पर अधिकतर लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते है। आगे बेजू और व्लादिमीर से रिपोर्टर सवाल करती है, आप अपने ट्रेडर से कमीशन चार्ज नहीं करते हो तो फिर आपकी कंपनी पैसा कैसे बनाती है? तब व्लादिमीर कहता है, हमारा एक ही मिशन है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर हमारी एप्लीकेशन से जुड़े। जो कोई भी हमारे एप्लीकेशन में बाय या सेल करते हैं, उनके ऑर्डर पर हम छोटा सा पेमेंट चार्ज करते हैं। तब रिपोर्टर कहता है, आपके साथ मार्केट के ऐसे कौन से बड़े नाम है जो आपसे जुड़े है? तब वहीं बैठे बेजू के मुंह से गलती से निकल जाता है सिटाडेल और व्लादिमीर उसकी बात को कवर करते हुए कहता है, वैसे हम कैन ग्रिफिन के साथ नहीं जुड़े हैं और सिटाडेल एक अलग फर्म है। तब रिपोर्टर कहती है, और उसके मालिक कैन ग्रिफिन ही है। आगे कीथ अपनी फैमिली के साथ अपनी बहन सारा की कब्र पर जाता है जिसे उन्होंने कोरोना काल में खो दिया था। वो चारों ही सारा को याद कर रोने लगते है। आगे हमें गैब और कैन ग्रिफिन को दिखाया जाता है जो साथ में टेनिस खेल रहे होते है। आगे कैन और गैब आपस में बात कर रहे होते, तब गैब कैन को बताता है, मैंने शॉर्ट पोजीशन बनाई है गेम स्टॉप के शेयर पर। गेम स्टॉप कंपनी कंप्यूटर के आइटम बेचती है जिसे माउस, गेम और भी कई सारी चीजें। इनके स्टोर्स का रेवेन्यू भी लॉस में चल रहा है। पिछले साल इन्होंने $632 मिलियन का लॉस किया था, लेकिन गेम स्टॉप का शेयर प्राइस बहुत ही वॉलेटाइल चल रहा है, काफी दिनों से बढ़ रहा है। कैन पूछता है, लेकिन इसे खरीद कौन रहा है? गैब कहता है, इसे रिटेल ट्रेडर खरीद रहे। अब आगे गेम स्टॉप का शेयर और उछाल मारता है और पूरी मीडिया में न्यूज फैल जाती है। न्यूज में बताया जा रहा था, पिछले साल कुछ हेज फंड ने गेम स्टॉप के शेयर में शॉर्ट सेलिंग की थी, पर स्मॉल इन्वेस्टर ने इस शेयर में अपना इंटरेस्ट दिखाया और अब हेज फंड छोटे इन्वेस्टर के सामने हारता हुआ दिखाई दे रहा है। गेम स्टॉप के शेयर में 70% तक ग्रोथ देखी गई और आगे हम देखते हैं कि गेम स्टॉप का शेयर जो $3 पर था वो अब $65 तक पहुंच गया था। ये सब देखकर कीथ भी अपने व्यूअर के सामने खुश होकर सेलिब्रेट करने लगता है। अब आगे कीथ कैरोलिन अपनी वाइफ के साथ कार में कहीं जा रहा होता है और उसका भाई केविन उससे बात कर रहा था। तब केविन कहता है, अब तो तुम्हारे पास $11 मिलियन हो चुके तो तुम अपने शेयर को बेचकर प्रॉफिट को एंजॉय क्यों नहीं करते? कीथ कहता है, अभी मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ। तब पास ही बेटी कैरोलिन कहती है, केविन ठीक बोल रहा है, $11 मिलियन काफी ज्यादा पैसा होता है। तब कीथ उन्हें समझाने लगता है, ये शेयर और बढ़ेगा। ये सुनकर केविन फोन कट कर देता है और कीथ की बातों को सुनकर कैरोलिन कहती है, मुझे लगता है हमें होल्ड करना चाहिए। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में काम करने वाली जेनी को भी अपने डैशबोर्ड में काफी मोटा प्रॉफिट नजर आ रहा था। तब उसके पास बेटा क्रिस उसे कहता है, मुझे लगता है अब तुम्हें शेयर को बेच देना चाहिए। तब कैनी क्रिस को कहती है, मैं ये नहीं बेचने वाली, जिसने हमें शेयर सजेस्ट किया है उस यूट्यूबर का प्रॉफिट $11 मिलियन हो चुका है और फिर भी वो शेयर को नहीं बेच रहा है, उसे होल्ड कर रहा है। हम सभी रिटेल ट्रेडर ने सोच लिया है, हम सभी होल्ड करेंगे चाहे इसका रिजल्ट कुछ भी हो।
आगे रेडिट पर एक फेमस अकाउंट द्वारा एक बड़ी पोस्ट शेयर की जाती है, जिस पोस्ट को गेम स्टॉप के सभी रिटेल ट्रेडर पढ़ते हैं। जिस पोस्ट में लिखा था, ये लड़ाई लॉयन और हाइनास की लड़ाई जैसी नजर आती है। लड़ाई में जो लॉयन है वो वॉल स्ट्रीट के हेज फंड है जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, और हाइनास हम रिटेल ट्रेडर्स है जो इस देश का वर्किंग मैन है जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं है। पर गेम स्टॉप का शेयर एक ऐसा शेयर है जिसमें हम सब हाइनास अब एक साथ है और अब हम इन लॉयंस को बर्बाद करके रहेंगे। आगे गेब रात में अपने घर पर होता है, तब उसकी वाइफ यारा उससे पूछती है, तुम्हारा आज का दिन कैसा गया, क्या तुम्हें चिंता हो रही है शॉर्ट सेलिंग करने की। तब गेब कहता है, हम अगले हफ्ते तक और वेट करेंगे, देखेंगे गेम स्टॉप का शेयर कितना ऊपर जा रहा है, जब हद से ज्यादा ऊपर चला जाएगा तब हम इसे क्रैश करवा देंगे। तब यारा कहती है, तुम जो करते हो क्या वो लीगल है। तब गेब कहता है, गेम स्टॉप के फाउंडर ने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी है, इसलिए हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे। अब आगे हमें अगले दिन सुबह का दिन बताया जाता है और ये हमारी मूवी की शुरुआत वाला सीन भी होता है। स्टीव कॉल करके गेब को बताता है, गेम स्टॉप का शेयर $100 से ऊपर चला गया है, और गेब अपने बंगले से दौड़कर अपने ऑफिस रूम की तरफ जाने लगता है। सारी मीडिया में यही न्यूज दिखाई जा रही थी कि गेम स्टॉप का शेयर $100 क्रॉस कर गया है। गेब अपने ऑफिस रूम में जाकर चार्ट देखता है और वो शॉक रह जाता है, और गेब की तरह यूट्यूबर कीथ, हॉस्पिटल में काम करने वाली कैनी और भी कई सारे लोग शॉक रह जाते हैं क्योंकि ये न्यूज इतनी बड़ी थी। हेज फंड मैनेजर के पैसा लगाने के बाद भी गेम स्टॉप का शेयर रॉकेट बन चुका था, और इस बार रिटेल ट्रेडर ने बड़े हेज फंड को चकमा दे दिया था। कीथ की वाइफ कैरोलिन भी इस न्यूज को देख रही थी और वो अपने हस्बैंड कीथ से पूछती है, बेब आज हमें कितने का प्रॉफिट हुआ। तब कीथ कहता है, तकरीबन $5 million का। कैरोलिन कहती है, और कल हमें कितना प्रॉफिट हुआ था। तब कीथ कहता है, $4 million का। यह सुनकर कैरोलिन कहती है, बेब क्या हम लोग रिच बन चुके हैं। दूसरी तरफ हमें गेब को दिखाया जाता है और गेब की वाइफ यारा भी उससे सवाल करती है, आज हमें कितना लॉस हुआ। गेब कहता है, $1 billion का। यारा पूछती है, और कल हमें कितना लॉस हुआ था। तब गेब कहता है, कल भी $1 billion का लॉस हुआ था। यह सुनकर गेब की वाइफ यारा परेशान हो जाती है। आगे गेब मीटिंग ज्वाइन करने के लिए अपने ऑफिस रूम की तरफ बढ़ता है, तभी गेब की नजर गेम स्टॉप के चार्ट पर पड़ जाती है जो अभी भी बढ़ रहा था। ये देखकर ही गेब को और पसीना आने लगता है। तभी गेब की वाइफ यारा उससे कहती है, हमें कितना नुकसान हुआ है। तब गेब एक पेपर नोट पर लिखकर यारा को देता है। यारा उस पेपर नोट को देखती है तो गेब को अब तक $6.8 billion का नुकसान हो चुका था। ये देखकर यारा गेब को अपने फ्रेंड्स को कॉल करने के लिए कहती है। सबसे पहले गेब स्टीव को कॉल करता है, और स्टीव कॉल अटेंड करते ही कहता है, लेट मी गेस, तुम्हें कैश की जरूरत है इसलिए तुमने मुझे कॉल किया, तुम्हें कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। चलो छोड़ो, मैं रेडी हूँ तुम्हारा साथ देने के लिए, पर तुम इसमें केन को भी शामिल कर लो। तब गेब केन को भी कॉल करता है और उसे कहता है, केन मुझे एक न्यू इन्वेस्टर की जरूरत है। तब केन कहता है, ठीक है मैं तैयार हूँ। अब केन और स्टीव भी गेब का साथ देने के लिए तैयार हो चुके थे ताकि वो लोग गेम स्टॉप के शेयर को नीचे ला सके। अब आगे मीडिया में ये न्यूज फैल चुकी थी कि मेलविन कैपिटल के साथ सिटाडेल और 0.72 हेज फंड कंपनियां भी शामिल हो चुकी है। ये दोनों ही कंपनियां मेलविन कैपिटल में $3 billion डालेगी। अब आगे दोस्तों, कीथ अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है, और कीथ अपनी फैमिली को बताता है, मैंने गेम स्टॉप के शेयर में इन्वेस्ट किया था और वो शेयर अब ऊपर जा रहा है। तब कीथ के डैड बोलते है, बहुत अच्छे, कितना ऊपर गया है। तब वही बेटा केविन कहता है, ये अभी $23 million प्रॉफिट में चल रहा है। तब कीथ के डैड कहते हैं, मजाक मत करो, ऐसा नहीं होता। तब वही बेटा कीथ कहता है, केविन ठीक बोल रहा है, मैं अभी $23 million प्रॉफिट में हूँ। तब वही बेटा केविन कहता है, और ये शेयर को बेचना भी नहीं चाहता। कीथ अब इंटरनेट सेलिब्रिटी बन चुका है, कई लोग इसके सजेशन पर ही शेयर को खरीद रहे। तब कीथ की मॉम भी उस पर चिल्लाने लगती है, क्या तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो। तब कीथ अपने मॉम और डैड दोनों को शांत करता है, और कैरोलिन दोनों से कहती है, कीथ जो भी कर रहा है उसे पता है, इसलिए हमें उसका साथ देना चाहिए। अब सभी के दोस्त और सभी के फैमिली वाले उन्हें सजेस्ट कर रहे थे कि उन्हें शेयर को बेच देना चाहिए और प्रॉफिट एंजॉय करना चाहिए। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि गेम स्टॉप का शेयर $350 क्रॉस कर चुका था, और सभी मीडिया चैनल पर इसी न्यूज को जगह मिल रही थी, और इस बार व्हाइट हाउस को भी इस बारे में बात करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि हम सिचुएशन पर नजर बनाए हैं। सोशल मीडिया पर भी इस बात को लेकर लगातार मीम पोस्ट हो रहे थे, और रेडिट में वॉल स्ट्रीट बेट नाम का अकाउंट भी इस बारे में लगातार शेयर कर रहा था। तभी उस आदमी के रेडिट अकाउंट को अचानक से बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण ट्रेडर कम्युनिटी में हलचल बढ़ जाती है, क्योंकि कई सारे रिटेल ट्रेडर अपने फैसले उसी रेडिट अकाउंट को देखकर ले रहे थे। अब मूवी में आगे हमें रॉबिनहुड के फाउंडर व्लादिमीर को दिखाया जाता है जो कि एक पार्टी में होता है,
और उसे नॉर्म नाम का एक आदमी कॉल करके कहता है, मुझे NSCC ने एक फाइल भेजी है। वो चाहते है कि हम लोग $3 बिलियन डिपॉजिट करें ताकि हमारी ऐप पर लोग ट्रेड कर सके। तब व्लादिमीर कहता है, लेकिन हमारी कंपनी के पास $3 बिलियन कहाँ है? हमारी कंपनी ने अभी तक की हिस्ट्री में सिर्फ $2 बिलियन रेस किए हैं। अगर हम पे नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे? तब नॉर्म नाम का वो आदमी कहता है, तो वो हमारी रॉबिनहुड एप्लीकेशन को बंद कर देंगे। ये सुनकर व्लादिमीर कहता है, तो मैं सिटाडेल के फाउंडर केन ग्रिफिन से बात करता हूँ, वो हमारी हेल्प करेगा। अब आगे रॉबिनहुड एप्लीकेशन में जो भी रिटेल ट्रेडर गेमस्टॉप के शेयर को खरीदना चाह रहे थे वो लोग आगे शेयर नहीं खरीद पाते क्योंकि रॉबिनहुड एप्लीकेशन में शेयर बाय का ऑप्शन बंद कर दिया गया था। लोगों में पैनिक बढ़ जाता है क्योंकि वो गेमस्टॉप का शेयर खरीद ही नहीं पा रहे थे। आगे न्यूज में बताया जा रहा था गेमस्टॉप का शेयर जो $483 के हाई पर चला गया था वो अचानक नीचे गिरकर $140 तक पहुंच गया है और इसमें सबसे बड़ा रोल निभाया है रॉबिनहुड एप्लीकेशन ने। उन्होंने एप्लीकेशन में गेमस्टॉप के शेयर का बाय बटन ऑफ कर दिया जिसके कारण लोग पैनिक में आकर शेयर को धड़ल्ले से सेल करने लगे। रॉबिनहुड के इस फैसले से रिटेल ट्रेडर को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। अब रिटेल इन्वेस्टर रॉबिनहुड के ऑफिस के बाहर विरोध करने लगते हैं और वो लोग व्लादिमीर के ऊपर भी कीचड़ फेंक कर मारते हैं और कई सारे लोग इन सब के पीछे सिटाडेल के केन ग्रिफिन को भी जिम्मेदार बताते हैं। लोगों का कहना होता है कि उन्हीं के कहने पर रॉबिनहुड एप्लीकेशन ने ये कदम उठाया। आगे एक मीटिंग में व्लादिमीर को बुलाया जाता है इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए। मीटिंग में एलन मस्क भी मौजूद होता है और वो व्लादिमीर से सवाल करता है, व्लादिमीर लोग आपकी एप्लीकेशन पर गेमस्टॉप का शेयर बाय क्यों नहीं कर पा रहे? पर व्लादिमीर एलन मस्क को इसका कोई भी सीधा सीधा जवाब नहीं दे पाता और रॉबिनहुड के ऊपर लोग केस भी करने लगते हैं कि उन्होंने आम लोगों के ट्रेड को रिग किया है और ये सब उन्होंने सिटाडेल के केन ग्रिफिन के कहने पर किया है। आगे कीथ के घर के बाहर उसके फैन इकट्ठा होने लगते हैं उसे सपोर्ट करने के लिए। तभी एक आदमी कीथ को आकर एक लेटर देता है। ये लेटर यूनाइटेड स्टेट हाउस ऑफ कमिटी द्वारा भेजा गया था और इसके अनुसार कीथ को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ऐसा ही एक लेटर कमेटी मेंबर केन ग्रिफिन को भी जाकर सौंपते हैं। आगे कीथ अपने घर पर जाता है तब उसकी वाइफ उसे कहती है वॉल स्ट्रीट बेट का रेडिट अकाउंट वापस चालू हो चुका है। कीथ वापस अपनी पोस्ट करता है कि वो अभी भी होल्ड करेगा। हारमोनी और रीरी भी ये देखते है और हारमोनी कहती है इसे $30 मिलियन का लॉस हो चुका है और अभी भी ये होल्ड कर रहा है। तब हारमोनी अपना मोबाइल देखती है तो रॉबिनहुड एप्लीकेशन में बाय बटन वापस ऑन हो चुका था। तब हारमोनी रीरी से कहती है क्या हम वापस से पोजीशन बनाएं? तब रीरी कहती है ये आदमी अगर होल्ड कर रहा है तो मैं भी इसके साथ हूँ। तब हारमोनी कहती है इसलिए मैं भी इसके साथ हूँ। ऐसा कहकर वो दोनों वापस से गेमस्टॉप के शेयर को बाय कर लेते हैं और बाय बटन ऑन होते ही सभी लोग वापस से गेमस्टॉप के शेयर पर पोजीशन बनाने लगते हैं। गेब और उसकी वाइफ यारा भी ये न्यूज देख रहे थे। न्यूज में ये भी बताया जा रहा था कि गेमस्टॉप केस की हियरिंग जल्दी शुरू होने वाली है और हाउस ऑफ फाइनेंशियल कमेटी ने पूछताछ के लिए रॉबिनहुड के फाउंडर व्लादिमीर, सिटाडेल के फाउंडर केन ग्रिफिन, मेलविन कैपिटल के फाउंडर गेब और यूट्यूबर कीथ गिल को पूछताछ के लिए बुलाया है। अब आगे हमें 18 फरवरी 2021 का समय बताया जाता है जब सभी से कमेटी मेंबर पूछताछ करने वाले थे और मीटिंग में सबसे पहला सवाल कमेटी मेंबर केन ग्रिफिन से करता है। तब कमेटी मेंबर पूछता है आपने 1 जनवरी को रॉबिनहुड के फाउंडर से कॉन्टेक्ट किया था? तब केन ग्रिफिन कहता है हाँ मैंने किया होगा और हमारी बिजनेस के बारे में बात हुई होगी। तब कमेटी मेंबर पूछता है क्या आपने इस बारे में बात की थी कि रॉबिनहुड गेमस्टॉप के शेयर में बाय ऑप्शन बंद कर दे या किसी तरह के रिस्ट्रिक्शन लगा दे ताकि लोग शेयर को बाय न कर सके? तब केन ग्रिफिन कहता है नहीं मैं आपको पूरी तरह से क्लियर कर दूं, मैंने इस बारे में उन्हें कुछ नहीं कहा। जो उन्होंने डिसीजन लिया ये डिसीजन पूरी तरह उनका ही था, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। गेब प्लॉटकिंग से भी कमेटी मेंबर सवाल करता है क्या आपने गेमस्टॉप के शेयर को मैनिपुलेट करने की कोशिश की? तब गेब भी सवाल के जवाब देने की कोशिश करने लगता है लेकिन उसका माइक म्यूट था। तब सभी लोग गेब के बचकानेपन पर हंसने लगते हैं। आगे एक कमेटी मेंबर व्लादिमीर से सवाल करती है और व्लादिमीर से रॉबिनहुड एप्लीकेशन पर ऑर्डर फ्लो पर कमीशन के बारे में सवाल किया जाता है पर व्लादिमीर इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं दे पाता और वो हियरिंग ऑफ कर देता है। आगे एक कमेटी मेंबर कीथ से कहती है आपके पास 5 मिनट है आपकी सफाई देने के लिए, आप साबित करो अपनी गवाही से कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। तब कीथ कहता है मुझे खुशी है कि मैं आपसे शेयर कर पा रहा हूँ कि मैंने गेमस्टॉप के शेयर क्यों खरीदे और मैंने शेयर खरीदने के बारे में सोशल मीडिया पर क्यों कहा। एक्चुअली मेरे कोई क्लाइंट नहीं है और ना ही मैं हेज फंड को रन करता हूँ। मेरा जन्म एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ है, मेरे पिता ट्रक ड्राइवर थे और मेरी माँ नर्स थी, फिर भी मैंने अच्छी पढ़ाई की और जॉब सर्च में लग गया। 2010 से 2017 के बीच में बेरोजगार रहा और तभी मेरा स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट जागा। तब मेरे पास थोड़ा ही पैसा था तब मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखने लगा।
तब कमेटी मेंबर की से सवाल करता है, आपने स्टॉक के बारे में जो भी वीडियो पोस्ट किए थे जैसा जैसा आपने कहा था वैसे ही हुआ था, साबित करिए कि आपके पास कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तब कीथ कहता है, मैंने उस स्टॉक को बहुत करीबी से रीड किया था, मैं गेमस्टॉप के बिजनेस और इनके स्टोर्स के बारे में थोड़ा बहुत जानता भी था, इसलिए मैं इस स्टॉक को प्रेडिक्ट करने में सफल रहा और आज मुझे यही साबित करना पड़ रहा है कमेटी मेंबर के सामने। वो इसलिए क्योंकि कई हेज फंड ने अपना मोटा पैसा लगाकर इस स्टॉक को नीचे गिराने की कोशिश की और इसमें रॉबिनहुड ब्रोकर की भी गलती थी जो लोगों को शेयर डिलीवर नहीं कर पाया, इससे कई लोगों को बड़ा नुकसान हुआ है और शेयर मार्केट की छवि भी खराब हुई है। शेयर मार्केट को तो लोग फेयर फील्ड मानते हैं जहां पर सभी लोगों को बराबर का अधिकार मिलता है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर थोड़े से स्मार्ट है और थोड़े से लकी है तो आपके पास संपत्ति का अंबार होगा, और आपके पास लक और स्मार्टनेस दोनों ही नहीं है तो आप यहाँ पर सिर्फ खोने के लिए आएंगे। बड़े हेज फंड को इस मामले में एडवांटेज है क्योंकि उनके पास काफी सारा पैसा होता है और टेक्नोलॉजी भी और काफी सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी, जिसका वो हमेशा फायदा उठाकर प्रॉफिट बनाते रहते हैं, पर छोटे ट्रेडर ये नहीं कर पाते। और जहां तक मेरी बात है तो मुझे ये स्टॉक बहुत पसंद था और मैं इसे सेलिंग नहीं करने वाला, मैं इसे होल्ड करूंगा। कीथ की ये बात सुनकर उसे सपोर्ट करने वाले सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और कीथ यहीं पर थैंक यू कहकर अपनी बात खत्म कर देता है। अब आगे कीथ अपनी डेस्क पर होता है और वो स्क्रीन पर अपने प्रॉफिट को देख रहा होता है। कीथ मन बनाता है कि अब वो शेयर को सेल करेगा, पर वो वापस से 50,000 की क्वांटिटी बाय कर लेता है और लाइव जाकर अपने व्यूअर को बैलेंस शीट शेयर कर देता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि हियरिंग के बाद कीथ ने अपनी पोजीशन बढ़ाकर 1,00,000 शेयर कर दी थी और उसके एक वीक में ही गेमस्टॉप के शेयर 3 गुना बढ़ गए थे। प्रॉफिट बनने के बाद मार्कोस भी अपनी जॉब छोड़ देता है क्योंकि वो अमीर बन चुका था। टेरी और हारमोनी की नेटवर्क भी पहले से डबल हो चुकी थी। हॉस्पिटल में काम करने वाली जेनी ने अभी भी शेयर में होल्ड कर रखा था। आगे हमें गेब के, केन ग्रिफिन के और व्लादिमीर के हियरिंग के समय के असली वीडियो फुटेज दिखाए जाते हैं। 2022 में बिलियंस ऑफ डॉलर लॉस के बाद गेब को मेलविन कैपिटल को बंद करना पड़ा। केन ग्रिफिन और रॉबिनहुड एप्लीकेशन पर जो भी केस लगाए गए थे उन्हें बाद में डिसमिस कर दिया गया था। आगे हमें कीथ गिल की हियरिंग का भी असली वीडियो दिखाया जाता है। 16 अप्रैल 2021 को कीथ गिल ने अपनी फाइनल पोस्ट की थी, तब तक उसकी नेटवर्क बढ़कर $34 मिलियन हो चुकी थी। उसके बाद वो पब्लिक लाइफ से, सोशल मीडिया की लाइफ से दूर हो गया। इस घटना के बाद से 85% हेज फंड कंपनियां छानबीन करने लगी कि रिटेल ट्रेडर अपना पैसा कहां पर लगा रहे और हेज फंड कंपनियां शॉर्ट सेलिंग से दूरी बढ़ाने लगी और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।